आज के इस टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में, डिजिटल वर्ल्ड में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी वर्ल्ड में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा हैं, सक्सेस की होड़ हर किसी को लगी है, हर कोई आगे निकलना चाहता है, हर कोई ग्रोथ सक्सेस अचीव करना चाहता है, लेकिन इन सब के लिए ज़रूरत है सक्सेस पाने वाली ऐसी स्किल्स भी आपके अंदर हों जो आपको दूसरों से तेज़ी से आगे बढ़ा सके। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र गुसाई आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉट एंड सूट्स में। और आज के इस वीडियोस में मैं आपको ऐसे 6 स्किल्स के बारे में बता रहा हूं। अगर आपके पास में ये 6 स्किल्स है तो आप किसी भी फील्ड में हैं। जी हाँ, आप किसी भी फील्ड में हैं। ये 6 ऐसे स्किल्स हैं जो आपको किसी भी फील्ड में रहते हुए आपको उस फील्ड में बहुत अच्छी सक्सेस आपको ग्रो कप कराएंगी। तो आप वीडियो को पूरा देखो, लास्ट तक देखो और नोट डाउन करो पेन पेपर लेके कि कैसे ये स्किल्स आज के डेट में हर फील्ड में आपके लिए हेल्पफुल हैं। जी हाँ दोस्तों, ग्रो अप करना चाहते हो, हर कोई ग्रोथ चाहता है, हर कोई सक्सेस चाहता है, लेकिन उसके लिए आपको इन डिमांड मार्केट्स में किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, किससे आप कंपटीशन को जीत सकते हो, किससे आप दूसरे से आगे निकल सकते हो, अगर आप इस टाइप की स्किल्स को अपने अंदर बिल्डअप करते हैं, आप इस टाइप की एजुकेशन को करते हो, आप इस टाइप की अपडेशन को करते हैं, आप इंटरनेट में इस टाइप की कुछ चीज़ें सर्चअप करते रहते हो, तो ये बहुत अच्छी आदत है और आपको इसको ज़रूर करना चाहिए। टाइम टू टाइम अगर हम अपने आप को नहीं बदलेंगे तो आप बहुत पीछे रह जाओगे। अगर आपके अंदर अपने आप को डेवलप करने की, अपनी स्किल्स को बढ़ाने की, अपनी एजुकेशन को धार लगाने की आदत अगर नहीं है ना, तो बेधार चीज़ें एक जगह पे ही सिमट के रह जाती हैं और धीरे धीरे करके उन पे जंक लग जाता है। तो अगर आप इन चीज़ों से बचना चाहते हैं तो ये जो 6 स्किल्स या 6 पॉइंट्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये 6 ऐसी स्किल्स हैं जो आपको किसी भी फील्ड में आप हो, आप कोई भी जॉब कर रहे हो उससे कोई मतलब नहीं है, अगर ये 6 आदतें अगर आपके पास में हैं, ये 6 स्किल्स अगर आपने अपने अंदर बिल्डअप करी हैं, तो आपको किसी भी फील्ड में ये बहुत गारंटीड है कि बहुत तेज़ी से सक्सेस दिलाएंगी। उनमें नंबर 1 है सोशल मीडिया। जी हाँ, आज के इस सोशल मीडिया वर्ल्ड में, आज के इस डिजिटल वर्ल्ड में सोशल मीडिया बहुत पावरफुल है। आप किसी भी फील्ड में हैं, आज आपको ज़रूरत है मार्केटिंग की, आपको अगर प्रमोशन की ज़रूरत है, आपको अपनी बात को किसी को भी बहुत तेज़ी से किसी को पहुंचाना है, तो आपको सोशल मीडिया पे होना होगा, आपको सोशल मीडिया पे रहना होगा, आपको सोशल मीडिया का अच्छा नॉलेज रखना ज़रूरत है। आप सोशल मीडिया पे रहें कभी ये चीज़ आपके बहुत काम आ सकती है। तो अगर आप जितना ज़्यादा एक्टिव हैं सोशल मीडिया पे, आप उतना ही अपनी किसी भी प्रोफेशन में हो, आप अपनी उस बात को उतने लोगों तक बहुत तेज़ी से सोशल मीडिया के माध्यम से आप पहुंचा सकते हो। और अगर आप मार्केटिंग में हो ना, तो मार्केटिंग वाले लोगों के लिए तो ये बहुत काम की चीज़ है। अगर आप मार्केटिंग में हो, आप मार्केटिंग के फील्ड में काम कर रहे हो, तो किसी भी मार्केटिंग वाले को सोशल मीडिया पे ज़रूर एक्टिव होना चाहिए। घर पे बैठे बैठे ही आप अगर आज मन नहीं कर रहा आपका फील्ड में जाने का, चलो कोई बात नहीं, मत जाओ, मोबाइल उठाओ, लैपटॉप उठाओ, उसी में देखो आज अपनी इस चीज़ को कितने लोगों तक जा सकते हो, कितने लोगों तक भेज सकते हो। आप देखोगे जितना काम आप वहाँ फील्ड में घूम घूम के नहीं कर पा रहे थे, उससे कहीं ज़्यादा आपने घर में बैठे बैठे अपने मोबाइल स्क्रीन से कर दिया है थ्रू द सोशल मीडिया। बिल्कुल है, पावरफुल है। तो नहीं पता तो इसको सीखो, इसको जानो, इसके बारे में क्या इतना पावरफुल है, बहुत काम की चीज़ है, आपको इसको ज़रूर सीखना चाहिए। नंबर 2 स्किल्स है आपके पास में डिजिटल मार्केटिंग। जी हाँ, आज के टाइमिंग में डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज़्यादा पावरफुल स्किल्स है। इसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा वीडियो आपको बना चुका हूँ आपके चैनल पर। मैं खुद डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाता हूँ डॉट एंड सूट्स में। आप ऑनलाइन और ऑफलाइन आप मेरे थ्रू डिजिटल मार्केटिंग के पूरे कोर्सेज को कर सकते हो, डिजिटल मार्केटर बन सकते हो, डिजिटल के ऊपर आप अर्निंग करना चाहते हो, आप आओ मेरे से मिलो, ज्वाइन करो मेरे को, कोर्स को करो, और मैं खुद आपको एश्योर करता हूँ कि आपको कोर्स भी कराऊंगा, आपको इंटर्नशिप भी दूंगा, आपको जॉब भी दूंगा, आपको स्टार्टअप भी कराऊंगा, सब कराऊंगा, गारंटीड है। एक बार आप मिलके देखो, दिल्ली आओ, इंस्टीट्यूट आपके पास में दिल्ली में है, और आप दिल्ली में आके आप इसको कर सकते हो। और अगर घर से ही कर सकना चाहते हो तो ऐप भी है जिसका लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, लिंक पे जाओ, ऐप को डाउनलोड करो, उसके अंदर देखो पूरा कोर्सेज हैं जहाँ से आप उनको सीख के पूरा, जैसे इंस्टीट्यूशन में उसी तरीके का पूरा कॉन्टेंट, पूरा कोर्स वहाँ पर पूरा मैंने बनाया, उससे भी आप पूरा सीख के आप इस चीज़ को सीख सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल आज के डेट में। इस वक्त सबसे ज़्यादा जो इन डिमांड है, जिसकी डिमांड हर कंपनी को है, हर प्रोडक्ट को है, हर सर्विस को है, आज के डेट में हर बिजनेस डिजिटल वे में आना चाहते हैं। आज के डेट में देखो ना, मार्केट में रोड के किनारे जो ठेले लगा के बैठते हैं वो भी आपको QR कोड दिखाते हैं। तो
तो ये सब डिजिटल का ही देन है, ये डिजिटल टेक्नोलॉजी की देन है कि कहाँ से कहाँ दुनिया पहुँच गई है। आपको टाइम के साथ में चेंज होना चाहिए। जिन लोगों ने अपने आप को बदला वो बहुत तेज़ी से आगे निकल गए, जिन लोगों ने आपको नहीं बदला वो अभी भी जो है आप समझ सकते हो। तो डिजिटल मार्केटिंग बहुत बेस्ट स्किल है, इसको आपको ज़रूर सीखना चाहिए। नंबर थर्ड स्किल है आपके पास में कम्युनिकेशन। जी हाँ, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट करना। मेरा मतलब कम्युनिकेशन ये नहीं कि आप फ्लुएंट इंग्लिश बोलो, उससे मेरा मतलब बिल्कुल भी नहीं है। आज की डेट में आपको अपनी बात को कहना आना चाहिए, दूसरों को आपको अपनी बात को समझाना आना चाहिए। आपकी लैंग्वेज जो है आप उसमें समझा दीजिए, ठीक है। आप हिंदी में अच्छी तरीके से हिंदी बोल सकते हैं, आप हिंदी में अपनी बात को रखिए। मेन पॉइंट है कम्युनिकेट करना। आज की डेट में बहुत सारा यूथ, बहुत सारे लोग अपनी बात को दूसरे तक भी नहीं पहुंचा सकते, उनको बात ही करना नहीं आता, अपनी बात को रखना ही नहीं आता। बहुत ज़्यादा एजुकेटेड भी हैं, इसमें ऐसे नहीं है कि ऐसे लोग हैं, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड, उनके अंदर इतना ज़्यादा ज्ञान भरा पड़ा है कि वो अगर उसको देने बैठे हैं तो कितने लोगों का भला कर दें, लेकिन उनको देना ही नहीं आता, उनको उसको समझाना नहीं आता, उनको एक्सप्लेन करना नहीं आता, उनको कम्युनिकेट करना नहीं आता, तो उस ज्ञान का कुछ फ़ायदा नहीं है, वो जंग लग रहा है, बेकार का है। तो कम्युनिकेशन एक ऐसी स्किल्स है जहाँ पे आज की डेट में आपको हर चीज़ में कम्युनिकेट करना चाहिए। आपको कभी भी कोई भी चीज़ है, कम्युनिकेशन मेरा मतलब सिंपल सा मीनिंग भी है, अगर आपको कोई भी एक मैसेज भी कर रहा है ना, तो बहुत सारे लोग हैं उस मैसेज का आंसर भी नहीं करते, मैसेज पढ़ लेंगे आंसर नहीं करेंगे, भाई वो भी एक पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन ही है। दूसरे ने आपको मैसेज किया तो उसको कुछ ना कुछ तो रिप्लाई करो, आपने जिसने आपको मेल भेजा उसका रिप्लाई तो करो, किसी ने आपको कॉल किया उसका रिप्लाई तो करो, किसी ने आपको लेटर लिखा उसका रिप्लाई तो करो, इट्स अ कम्युनिकेशन। किसी ने आपको बात करी है उसका कम्युनिकेशन, ये सारे कम्युनिकेशन आज की टाइमिंग में सभी के सारे पार्ट हमारे कम्युनिकेशन में आते हैं। बहुत सारे लोग इनसे बहुत पीछे हैं, वो रिएक्ट ही नहीं करते, कम्युनिकेट ही नहीं करते, तो उनकी लिमिटेशन भी वहीं तक सिमट के रह गई है, उनकी मार्केट भी बहुत छोटी सी, बहुत छोटे से दायरे में वो लोग रह गए। ग्रोथ आप चेक करेंगे तो बहुत कम है ऐसे लोगों की। तो अगर ग्रो चाहते हो, सक्सेस चाहते हो, तो कम्युनिकेशन इंप्रूव करो, कम्युनिकेट करना शुरू करो, अपनी बात को कहना सीखो, दूसरों को समझाना सीखो। नंबर फोर जो स्किल्स है वो है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। किसी भी चीज़ के अगर आप देखें मार्केटिंग की फील्ड में हो, तो आपको देखो कोई बिजनेस, आप बिजनेस ऑनर हो, आप अपना बिजनेस कर रहे हो, देखो आज के डेट में छोटा सा बिजनेस, एक छोटा सा रेडी लगाने वाले भी, उसको भी प्लानिंग करनी पड़ेगी, स्ट्रेटेजी देनी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि बस रेडी में अपना माल भर दिया चलो बिकी जाएगा, नहीं बिकेगा। अगर आपके पास मार्केटिंग स्ट्रेटेजी नहीं है चिल्लाना पड़ेगा। आपने देखा होगा बहुत सारे जो रेडी वाले फेरी वाले, आजकल उन्होंने ऐसे ऐसे डिवाइसेस ले लिए जहाँ पे म्यूजिक भी बजता रहता है, ऐसे ऐसे बहुत सारे ऐसे ऐसे थेरी वाले रेडी वाले आपको दिखेंगे कि साथ साथ में ऐसे डायलॉगबाजी भी करते हैं, अट्रैक्शन भी देते हैं। तो उनको अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी लगानी पड़ती है, उनको बार बार वहाँ पे कुछ इस तरह से जो देते हैं उनकी बोलचाल ऐसे डायलॉगबाजी करते हैं कि लोग उनके पास आते हैं। और कुछ लोग तो अपने एटीट्यूड में रहते हैं, बट रेडी लगा दी बस चुपचाप, पता चला सुबह से शाम हो गए दो ग्राहक नहीं आए, तो क्या करना है ऐसे का। तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हर बिजनेस के लिए मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ज़रूरी है, हर बिजनेस के लिए प्लानिंग जरूरी है, किस हर काम के लिए प्लानिंग जरूरी है, कोई भी आप कर रहे हो हर चीज़ के लिए प्लानिंग जरूरी है। इसका मतलब यहाँ पे नहीं मार्केटिंग स्ट्रेटेजी वर्ड जोड़ दिया मैंने तो ये सिर्फ मार्केटिंग में काम आएगा, ये हमारे लाइफ के हर हिस्से में काम आता है। आपको कोई भी प्लानिंग कर रहे हो, आप घर में कोई चीज़ लेने वाले हो स्ट्रेटेजी बनाओ, आप घर में कोई नई चीज़ करने वाले स्ट्रेटेजी बनाओ, आप अपने जॉब में कुछ आगे बढ़ने की प्लानिंग कर रहे हो उसको कैसे बढ़ा जाए उसके लिए स्ट्रेटेजी प्लान करो, उसकी तैयारी तैयार प्लानिंग करो। तो हर चीज में स्ट्रेटेजी लगती है, प्लानिंग और अच्छी स्ट्रेटेजी अगर आपके पास में है, आपने उसको अच्छे तरीके से प्लान करके दिया है, उसके खिलाफ कोई अच्छी स्ट्रेटेजी तैयार करी है, तो आपको ग्रोथ बहुत तेजी से मिलेगी। तो आपके पास में ये स्ट्रेटेजी मेकर की थिंकिंग पावर और हर काम को बड़े प्लानिंग के साथ में करने की क्वालिटी होना जरूरी है, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। नंबर फाइव है एडवर्टाइजिंग। जी हाँ, कोई भी काम आप कर रहे हो, एडवर्टाइजिंग मीन्स जैसे मैंने आपको पहले पीछे बताया कम्युनिकेशन। आप कोई भी स्किल्स है आपके पास में, अगर आप उसको कम्युनिकेट नहीं करोगे या आप उसको एडवर्टाइज नहीं करोगे, बताओगे नहीं, तो किसी के फेस पे तो लिखा नहीं है भाई इसके अंदर ये स्किल्स है, बताना पड़ेगा। क्लास में भी अगर आप बच्चे ने सब, आप इतने इंटेलिजेंट हो, आप इतने ब्रिलियंट हो, आपके माथे पे तो नहीं लिखा ना कि आपको सारे क्वेश्चनों के आंसर पता है। जब आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा, जब आप आंसर करोगे, तभी आपकी जो इंटेलिजेंसी है, आप कितने ब्रिलियंट हो वो तभी निकल के बाहर आएगी, आपके पास कितना ज्ञान है तभी बाहर आएगा। तो मतलब अपने अंदर जो भी चीज़ें हैं उनकी मार्केटिंग, उसकी एडवर्टाइजिंग भी होनी चाहिए। एडवर्टाइजिंग करना, थोड़ा मार्केटिंग करना, लोगों से मिलना, सोशल होना, एडवर्टाइजिंग हर चीज़ में काम आती। नंबर सिक्स स्किल है कस्टमर सर्विसेज। ये स्पेशली मतलब अगर आप मार्केटिंग से रिलेटेड हो काम, तो
कोई बिजनेस अगर आप कर रहे हो, कोई चीज अगर आप कर रहे हो, तो उसमें कस्टमर्स को ध्यान में रखते हुए कस्टमर की सर्विसेज देखो। कस्टमर आजकल किसी का नहीं हुआ, वो आपसे अभी ले रहा है, कल अगर कोई उसको अच्छा दे देगा उसके पास चला जाएगा। लेकिन कस्टमर के साथ अगर आप अच्छा टर्म्स रखोगे, अच्छी सर्विसेज दोगे, अच्छी तरीके से उसको चीज़ को खुश करके रखोगे, तो कस्टमर कहीं नहीं जाएगा। तो मार्केटिंग में कस्टमर के लिए जो रिटेनिंग होता है, रिटेनिंग प्रोसेस होता है हमारा, वो बड़ा ध्यान में रखा जाता है। और आज की डेट में अगर आप कस्टमर की सर्विसेज को नहीं समझोगे तो कोई भी बिजनेस नहीं चला सकते हो, कोई सर्विस नहीं चला सकते हो। आपने देखा होगा किसी भी कंपनी से आप कोई चीज़ लेते हो तो दो दिन बाद उनके कस्टमर केयर से फ़ोन आता है आपको, हाँ जी ठीक चल रहा हो प्रोडक्ट वगैरह, ठीक है, नहीं जी ठीक है जी, आप भी देखते हो रहेगा, ठीक है ना सर, वो मार्क्स दे दीजिए हमें 10 out of 10 में से कितने इतने देने मार्क्स दे दीजिए प्लीज़, वो सब चल रहा होता है उनका फीडबैक रिव्यूज़। तो ये सारा पार्ट होता है कस्टमर सर्विस। हर किसी को अपना प्रोडक्ट बेहतर बनाना है, हर किसी को अपनी सर्विस बेहतर बनानी है। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी ही मार्केटिंग में ही है, ये हमारी डेली लाइफ में भी एक्जीक्यूट होती हैं, डेली लाइफ में भी हम इनको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर हम अपनी स्किल्स को, ये सारी स्किल जो मैंने 6 आपको इसमें बताई हैं, अगर आप ग्रो करना चाहते हैं, सक्सेस करना चाहते हैं, तो आपको ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से हेल्प करती हैं। और अगर आप मार्केटिंग के फील्ड में, तो आपके लिए तो बहुत काम की चीज़ें हैं। आई होप आपको पसंद आई हो और आप इसे लाइक और शेयर जरूर करेंगे। और अगर आप इनसे रिलेटेड कोई चीज़ सीखना चाहते हो, तो जैसे मैंने पहले भी आपको बताया .NET इंस्टीट्यूट में आप ये सारी चीज़ें सीख सकते हो। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।